Welcome to Cocktails India and I am your host Dada Bartender. Friends, मैं आज super excited हूँ क्योंकि मैं आज करने वाला हूँ unboxing and review Sterling Reserve B7 का. अच्छा, इसमें excitement का क्या बात है? अगर मैं आपके साथ information share करूँ तो आप भी super excited हो जाएंगे. ये जो brand है ना, ये तहलका मचा के रखा है इंडिया में. ये जो brand है, ये highest selling whiskey brand बन चुका है इंडिया में. One of the, of course. पास, मैं इस ब्रांड के ऊपर बहुत रिसर्च किया और बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. इसलिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ. और अगर वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको भी काफी सारा एक्साइटिंग मैटर जानने को मिलेगा. तो टाइम ना ज्यादा गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अनबॉक्सिंग स्टर्लिंग रिजर्व B7 का. द ब्रांड वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2017. पैन इंडिया में ब्रांड को मैक्सिमम सक्सेस मिलने के बाद अभी रिसेंटली पुणे में भी लॉन्च कर दिया गया है. इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 1 मिलियन केसेस का सुपर डिफिकल्ट माइलस्टोन को स्टर्लिंग रिजर्व चुटकियों में कवर कर लिया था. और तो और, इंडस्ट्री पब्लिकेशन ड्रिंक इंटरनेशनल ने इस ब्रांड को वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलेनियल स्प्रिट ब्रांड का ताज भी पहनाया है. सो दिस ब्रांड हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियलिटी. चलिए वन बाय वन आज इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करूंगा वो अमेजिंग इंफॉर्मेशन जिसके बाद आप भी इस ब्रांड को प्यार करने लगेंगे. तो पहले जानेंगे कि इसका नाम स्टर्लिंग रिजर्व B7 क्यों रखा गया है. आप लोग जानकर हैरान होंगे, ये जो स्टर्लिंग रिजर्व B7 का नामकरण हुआ है वो ना आप ही लोग ने चुना है. इस प्रोजेक्ट में जब कंपनी काम कर रहा था तब कुछ नाम का ऑप्शंस कंज्यूमर को दिया गया था और वही से चुना गया था स्टर्लिंग रिजर्व B7 का नाम. स्टर्लिंग मींस एक्सेलेंट एंड रिजर्व इट मींस समथिंग प्रीसियस. सो बोथ द वर्ड डिस्क्राइब द ब्रांड एंड द ब्लेंड ऑफ स्टर्लिंग रिजर्व B7. सो ब्लेंड 7 इसका ही शॉर्ट कोड है B7. 7 यूनिक टेस्टिंग नोट आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड में मिलता है, इसीलिए इसका नाम है ब्लेंड 7 और B7. और ये B7 क्यों? जैसे कि अगर लग्जरी कार ऑडी का बात करूं तो आप देखेंगे कि A4, A6, A8 है ना. BMW का अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि वहां पर है X1, X2. और मोबाइल का बात करूं तो सैमसंग है ना, सैमसंग गैलेक्सी S20, S21. तो ऐसा ही कुछ है ब्लेंड 7 मतलब B7. फ्रेंड, अगर स्टर्लिंग रिजर्व B7 का पैकेजिंग का बात करूं तो क्या कमाल का पैकेजिंग है. आप एक बार देखिए इस पैकेजिंग को, बहुत ही प्रीमियम लुक्स है. मतलब ये जो ब्लू एंड ये सिल्वर है, ये काफी हद तक इसका जो प्रीमियमनेस है इसको निखर के लाता है. साथ साथ इसका जो लोगो है और ये जो राउंड शेप में B7 लिखा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप कोई एक्सपेंसिव स्कॉच व्हिस्की को उठा के लाए हैं और उसी का ये पैकेजिंग है. और रेपुटेड इंटरनेशनल डिजाइन एजेंसी सीड ड्रिंक्स इस बेहतरीन कार्टन को डिजाइन किया है, साथ साथ ये बॉटल को भी डिजाइन किया है जो बेस्ड है फ्रॉम एम्स्टर्डम एंड लंदन से. तो चलिए अभी मैं बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ और देखता हूँ कि अच्छा ये कवर है और ये रहा वो फैंटास्टिक बॉटल स्टर्लिंग रिजर्व B7 का. चलिए पास में रखता हूँ और ये बॉक्स को साइड में रख देता हूँ फिलहाल. और ये बॉटल को जब जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे ना गिटार की याद आता है ना, गिटार जैसा. बहुत ही हैंडी बनाया गया है बॉटल को, आप ऊपर से आराम से इसको पकड़ सकते हैं. नीचे का जो बेस है वो भी बहुत कंफर्टेबल आपको ग्रिप देता है, आप आराम से पोर भी कर सकते हैं कभी भी अल्कोहल को पोर करना है. प्लास्टिक कैप है और यहाँ पर सेफ्टी कैप रखा गया है, जैसे कि अल्कोहल तो बाहर आएगा आप अंदर में डाल नहीं पाओगे. और स्टील एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है सच में बहुत ही कमाल का है. क्लियर ग्लास है, आप अल्कोहल को प्रॉपर तरीके से देख पाते हो, उसके का कलर आपको दिख जाता है. तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन बॉटल डिजाइन है. फ्रेंड, अब आता हूँ इसका ब्लेंड के बारे में बात करने के लिए. स्टर्लिंग रिजर्व B7 का जो ब्लेंड है वो क्या है, कितना खास अभी वो बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ सिलेक्टेड स्कॉच मॉल्ट एंड फाइनेस्ट इंडियन ग्रेन स्पिरिट व्हिच इज स्पेशली सिलेक्टेड बाय द मास्टर ब्लेंडर मिस्टर अरुण बड़िक.
उन्होंने एक यूनिक स्ट्रेटजी को अपनाया जो इंडियन पैलेट को प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है जब आप स्पाइसी फूड के साथ स्टर्लिंग रिजर्व B7 को ड्रिंक करेंगे। जो स्कॉच व्हिस्की को इस ब्लेंड में मिलाया गया है, दोज आर केयरफुली सिलेक्टेड डिफरेंट बैरल ओरिजिंस स्कॉच मॉल्ट है। सबसे ज्यादा जोर दिया गया था द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन चार्ड ओक बैरल्स विच गिव्स अ रिच टेस्ट एंड फ्लेवर प्रोफाइल to the scotch and enhance the color and the taste of the liquid. So charred oak barrel vital role play kiya hai is whiskey blend mein. Aap jankar khush honge ki Sterling Reserve B7 has been awarded the superior product rating at the International Taste Institute Brussels, the world leader in the evaluation and certification of consumer food and beverage by professionals. So एक blended Indian whiskey आपको एक pocket friendly price में क्या amazing whiskey देता है। चलिए मैं बक बक करते हुए thirsty हो चुका हूँ, आप थोड़ा सा taste भी कर लूँ। तो चलिए pour करते हैं 30 ml, खोलते हैं इस bottle को। ये एक unique cap system है, अगर press करेंगे तो देखिए ऊपर उठ के आया, quite amazing engineering है मैं बोलूँगा। तो चलिए 30 ml पोर करते हैं। रिमेंबर ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। व्हिस्की का अगर कलर का बात करूं तो ये ब्राइट गोल्ड कलर है मैं बोलूंगा, एंड माउथ फील बहुत अच्छी मिलने वाली है क्योंकि इसका जो टीयर्स है बहुत स्लोली ड्रॉप हो रहा है, तो ऑफकोर्स मुझे अच्छा माउथ फील भी देने वाला है। चलिए नोज करते हैं। बहुत नोटिसेबल चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, जैसे कि ये काफी मॉल्टी लग रहा है मुझे, फ्रूटी फ्लोरल काइंड ऑफ व्हिस्की लग रहा है, हल्का वुडी भी लग रहा है। टोस्टेड चार्ड ओक का जो नोट्स है वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। चलिए पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। वेल राउंडेड स्मूथ मैं बोलूंगा, हल्का क्रीमी मैं बोलूंगा, लिटिल बिट ऑफ वुडीनेस आप नोटिस कर सकते हैं जब आप इसको पी लेंगे। जब ये नीचे की तरफ चला जाएगा तो हल्का स्वीटनेस आप बैक में फील कर पाएंगे। व्हिस्की मतलब पक्का इंडियन का जो पैलेट है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसीलिए ना इतना फेमस है वर्ल्ड वाइड। फिनिश का मैं अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि अगेन इट्स अ वेल राउंडेड एंड रिमार्केबल स्मूथ फिनिश मैं बोलूंगा। बजट में इतना बेहतर उसकी बड़ी मुश्किल से मिलता है फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा। चलिए कंक्लूशन में आते हैं, और कंक्लूशन में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं बोलूंगा जो स्कॉच मॉल्ट को यूज किया गया है वो डिफरेंट बैरल ओरिजिन है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है इस व्हिस्की के लिए। और सेकेंड पॉइंट में मैं बताऊंगा कि ये कंप्लीटली ग्रेन व्हिस्की है, मतलब इंडियन सिलेक्टेड और फाइनेस्ट ग्रेन व्हिस्कीज का कॉम्बिनेशन है ये ब्लेंड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसका टेस्ट को एनहेंस कराने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग लगा सॉफ्ट टोस्टेड नोट्स ऑफ चार्ड ओक जो बड़ी मुश्किल से इंडियन व्हिस्कीज में आपको मिलता है, साथ साथ मैं बोलूंगा लग्जरियस टेक्सचर फ्रॉम द मॉल्ट अलोंग विथ वेल राउंडेड एंड स्मूथ फिनिश। और जो मैं कभी नहीं भूलूंगा वो है कि इसका फैंटास्टिक पैकेजिंग जो सच में एक प्रीमियम फील देता है। अगर आप चाहते हैं किसी को गिफ्ट करना तो शायद स्टर्लिंग रिजर्व B7 आपका फर्स्ट चॉइस हो सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये महाराष्ट्र में लॉन्च हो चुका है, साउथ महाराष्ट्र में, तो वहां पर पाव भाजी मंगवाइए और उसके साथ पीजिए इस बेहतरीन व्हिस्की को। और मैं तो रहता हूँ कोलकाता में, मैं सोच रहा हूँ कि रसगुल्ला के साथ ट्राई करूंगा, कैसा रहेगा आपका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।